क्या लिख रहे थे? अच्छा सम्मेलन लिख रहे थे, डैम सेफ्टी जयपुर। नेक्स्ट लिखो सितंबर, सितंबर के स्पोर्ट करेंट अफेयर, स्पोर्ट या खेल से संबंधित करेंट अफेयर। हाल ही में नाडा ने, नाडा क्या है? हेलो, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। दो बार एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता रही, दो बार एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता रही। रजत माने सिल्वर, सिल्वर मेडल विजेता रही। स्प्रिंटर दुती चंद, स्प्रिंटर क्या होता है? 100 या 200 मीटर। स्प्रिंटर दुती चंद, 4 साल का प्रतिबंध लगा। पूछ सकता है हाल ही में किस स्प्रिंटर या किस खिलाड़ी पर नाडा ने प्रतिबंध लगाया, तो दुती चंद बड़ी फेमस है। नेक्स्ट को भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता। पूछ सकता है कौन निलंबित किया है? भारतीय कुश्ती संघ, इंडियन रेसलिंग व्हाट फेडरेशन, IWF, अभी बहुत चर्चा में थे ब्रिजभूषण शरण सिंह, ठीक है, तो उनके करीबी थे संजय सिंह जिन्होंने जीत लिया था का मतलब इलेक्शन, और उसके बाद इसने तो लिखो खेल मंत्रालय ने इसको निलंबित कर दिया, सस्पेंडेड दिस फेडरेशन। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री रिसेंटली सस्पेंडेड दिस फेडरेशन। लिख लो नेक्स्ट, फीफा महिला विश्व कप में बड़ा ये फेमस हुआ था, बीच में चित्र देखा था आप लोगों ने, पर मैं आ रहा था बार बार है, फीफा महिला विश्व कप में प्यूमा का हिजाब इन्होंने, तो पहली बार हिजाब पहनकर कहाँ की हैं ये? मोरक्को की। पहली बार हिजाब पहनकर फुटबॉल खेला, इनका नाम नौहेला बेंजीना है, ये हैं नौहेला बेंजीना, कहाँ की हैं? मोरक्को की हैं बेंजीना। पहली बार हिजाब पहनकर फीफा वर्ल्ड कप में आने वाली कौन है, कहाँ है, ठीक है, किसके खिलाफ? तो दक्षिण कोरिया के खिलाफ एक मैच में। और ये क्या है, ये डिफेंडर है ना, एक प्लेयर की कैटेगरी है उसमें डिफेंडर है ये, ठीक है। नेक्स्ट लिखो 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, 31st है ध्यान रखना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए हैं? चाइना में हुए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम चाइना में हुए हैं। चाइना में जगह है चेंगदू, चाइना में हुए हैं। भारत की तरफ से बैडमिंटन खिलाड़ी तनीषा सिंह, भारत की तरफ से बैडमिंटन खिलाड़ी तनीषा सिंह सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी। चीन और जापान टॉप पे थे, जापान टॉप पर थे, और भारत की रैंक 7वीं थी, भारत या इंडिया की रैंक 7वीं थी, भारत की रैंक 7वीं। लिखो विश्व की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कनाडा के टीम में चुनी गई हैं, का नाम है डेनियल मैकगेही, कनाडा के टीम में चुनी गई हैं, का नाम डेनियल मैकगेही है। नेक्स्ट को यूएस ओपन टेनिस इंपॉर्टेंट है, यूएस ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? 4, कौन कौन से? एक है, ऐसे वर्ल्ड को देखो, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, फिर विंबलडन, फिर फ्रेंच, फिर तो यूएस ओपन टेनिस सबसे लास्ट में कौन होता है, लास्ट में पड़ता है, इधर से चलना है, विंबलडन, फ्रेंच, और विंबलडन होता है हमें लग रहा है फ्रांस में फ्रेंच होता है, विंबलडन होता है यूके में शायद, देखना। लिखो यूएस ओपन न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ, इसमें पुरुष एकल में
सर्बिया के पुरुष एकल में सर्बिया कहाँ है? ठीक है, कैपिटल तो बेलग्रेड। सर्बिया के नोवाक जोकोविच, सर्बिया के नोवाक जोकोविच चौथी बार यूएस ओपन। देखो नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को हराया है। डेनियल मेदवेदेव कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? रूस के। देखो अगर किसी शब्द में, मतलब ऐसे बता रहा हूँ, ये मत समझना कि ये कोई मेदवेदेव, किसी शब्द में ये हो, याओ, आओ, ठीक, उसके बाद वाय आखिरी में, वाय, इस टाइप के शब्द आ जाए तो ज्यादातर वो रशियन होता है, ठीक, या अटक आ जाए, ईएसके बहुत आता है, सुना होगा, इस टाइप के ज्यादातर शब्द रसिया से जुड़े होते हैं, या रशियन होंगे या रसिया से जो टूटे हैं। हराया है किसको? डेनियल मेदवेदेव को। महिला एकल में लिखो, महिला एकल में यूएस की है कोको गफ, यूएस की है कोको गफ। कोको गफ ने किसको हराया है? लिखो एरिना सेबेलेंका, बेलारूस की है, एरिना सेबेलेंका को हराया है, बेलारूस की कैपिटल, बेलारूस को हराया है, ठीक है। युगल में लिख लो, पुरुष युगल में, पुरुष युगल में ये जो साथ में मिलके खेलते हैं, क्या पेयर बोलोगे, डबल्स, डबल्स में, मेन डबल्स में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। रोहन बोपन्ना कहाँ के हैं? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ये हैं ऑस्ट्रेलिया के, ध्यान रखना इंडिया में, इंडिया के हैं, जरूरी है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट है, रोमानिया की पूर्व टेनिस खिलाड़ी, रोमानिया की पूर्व टेनिस खिलाड़ी बहुत महान खिलाड़ी थी सिमोना हालेप, इन पर भी 4 साल का बैन लगा है। सिमोना हालेप पे 4 साल का बैन लगा है डोपिंग के मामले में। सिमोना हालेप ने ग्रैंड स्लैम भी जीते हैं, शायद एक बार सिमोना ने इनको हराया है, सेरेना विलियम्स को, सेरेना विलियम्स को हराया है शायद सिमोना हालेप ने। सेरेना शायद अपना आखिरी किसे हारी है, सिमोना हालेप एक जापान की है बहुत, नाओमी ओसाका, हाँ नाओमी ओसाका ने शायद हराया। लिखो नेक्स्ट, 16वां एशिया वनडे वर्ल्ड कप, 16वां वर्ल्ड कप ना लिखो, एशिया कप वनडे ऐसे लिखो, 16th एशिया कप ओडीआई वनडे, 16th है ध्यान रखना, ठीक है। तो कहाँ हुआ ये? तो श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ, आयोजन कहाँ हुआ? श्रीलंका और पाकिस्तान में, श्रीलंका और पाकिस्तान में। जीता कौन? भारत, 8वीं बार रिकॉर्ड, 8वीं बार जीता, 8th time, ठीक है। इसको हराया भारत ने तो श्रीलंका को, और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे? कुलदीप यादव, कुलदीप यादव भारत के पहले चाइना मैन बॉलर, ठीक है, चाइना मैन स्पिनर भारत के, प्लेयर ऑफ द सीरीज कुलदीप यादव, चाइना मैन एक स्पिनर की कैटेगरी होती है, शायद रिस्ट से, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर को बोलते हैं। नेक्स्ट लिखो, महिला शतरंज विश्व कप, महिला शतरंज विश्व कप अजरबैजान की कैपिटल कहाँ है? बाकू में हुआ, अजरबैजान की कैपिटल बाकू में हुआ। वुमेन चेस वर्ल्ड कप, ठीक है, और इसको जीता है अलेक्जेंड्रा गोरिया चाकिया, देखो इनके नाम में या आ रहा है, कहाँ की होंगी? अलेक्जेंड्रा गोरिया चाकिया, गोरिया इन्होंने, ठीक है। फिर लिखो, एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन, वनडे फास्टेस्ट वनडे 13,000 रन्स का रिकॉर्ड, विराट कोहली ने बनाया है मात्र 267 पारियों में, है। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? सचिन तेंदुलकर का, मात्र 267 इनिंग्स में 13,000 रन ओडीआई रन का रिकॉर्ड तोड़ा है किसने? विराट कोहली ने, पूछ सकता है। नेक्स्ट लिखो, ठीक है,
पाकिस्तान आया था, थोड़ा पाकिस्तान की ज्योग्राफी देख, बाद स्पोर्ट का एक खत्म हो गया। देखो पाकिस्तान का मैप खोलो जरा, देखो जो बहुत बड़े बड़े इनके स्टेट हैं, खोल लो पाकिस्तान। ये माना जाता है किसी जानवर की तरह, ऐसे नहीं बोल पाएंगे लेकिन हाँ है, किसी बैठे हुए जानवर की तरह इम मटेरियल हो। आगे देखते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं ना, खासकर प्रोविंस बहुत पूछते हैं। देखो इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इस एरिया को, ठीक है, ऊपर का जो ये एरिया जहां से आपका ये अफगानिस्तान का ये वाला बॉर्डर लगता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक मिला। यहां पे एक रेंज है, रेंज का नाम बताओ, ब्लैक या साल्ट, मिला। और यहीं पर हुंजा वैली है, ये एरिया को हुंजा वैली कहते हैं, मिला, हुंजा घाटी, मिला। वो तुम लोगों को पाकिस्तान के मैप पे नहीं मिलेगा, असल में ये पीओके का एरिया है, तो इसलिए वो भारत में हुंजा मिलेगा। तो छोड़ो, यहां देखो ध्यान से, अब ये जो एरिया है जिसको, जो भारत का एरिया इन्होंने, ये एरिया क्या है, भारत का इन्होंने कब्जा रखा है, ये वाला एरिया देख रहे हो, यही तो है इंडिया, ये पूरा। इसमें गिलगिट बाल्टिस्तान जिसे कहते हैं, उसे इन्होंने अपना एक बना रखा है पूरा राज्य, उसका नाम है नॉर्दर्न एरिया, नॉर्दर्न टेरिटरी या गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है। उसके बाद अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर है फाटा, ये एरिया कहलाता है फाटा, फाटा मतलब फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज, यहां देखो ये लिखा है ना, और जहां पर आपको गुमल और कुर्रम निकल रही है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट नदियां हैं गुमल और कुर्रम, ये हाँ, जहां तोबक आकर है, तोबक आकर के पास ये पूरा एरिया जो है वो किसमें आता है, फेडरली, यहां देखो ये है तोबा काकर, और ये एरिया आता है किसमें, फाटा में। यहां पे एक चीज ध्यान रखना है आपको, सिंधु नदी पाकिस्तान के ठीक बीचों बीच होकर गुजरती है, और सिंधु नदी की जो राइट बैंड ट्रिब्यूटरी हैं इंपॉर्टेंट पाकिस्तान में, वो क्या है, कुर्रम और गोमल, दोनों पूछा गया है पेपर, मिली कुर्रम और गोमल, नहीं मिला, कुर्रम गोमल से जस्ट ऊपर है, ठीक ध्यान रखना। अब इस एरिया को जो नीचे का है इसको कहते हैं बलोचिस्तान, मिला बलोचिस्तान, बलोचिस्तान में गोमल या गोमल या कुर्रम, गोमल या गुमल, और एक नाम है क्या, कुर्रम, ठीक है। बलोचिस्तान की कैपिटल है क्वेटा, क्या है, क्वेटा, और आपने सुना होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सुना है, सीपेक जो था वो क्वेटा से होकर गुजरता था, और आपको पता है बलोचिस्तान वहां की अलगाववादी शक्तियां बहुत सारी हैं, बलोचिस्तान जो है वो एक अलगाववादी राज्य, जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर माना जाता था वैसे ही वहां बलोचिस्तान है, उसकी कैपिटल है क्या, क्वेटा, और ये बहुत ही मिनरली रिच एरिया है क्वेटा। क्वेटा में कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वो देख लीजिए, मतलब बलोचिस्तान के एरिया में। तो सबसे पहले यहां देखिए सुलेमान, मिला पाकिस्तान के ठीक बीच में सुलेमान रेंज, सुलेमान से आगे यहां आपने देखा तौबा काकड़, उसके बाद सेंट्रल बढ़ौल या सेंट्रल बढ़ौल रेंज, मिला, उसके बाद आपने सुना होगा चगाई हिल्स, ठीक चगाई पर्वत या चगाई हिल्स, ठीक कोई बात नहीं, चगाई सुने होगे, चगाई तुर्क एक नाम होता है, चगाई तुर्क, तो ये उसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट है यहां पर मकरान कोस्ट रेंज, इस तट को मकरान कोस्ट, मकरान तट कहते हैं, पाकिस्तान का जो ये तट है ये मकरान तट कहलाता है और इसे मकरान कोस्ट रेंज कहते हैं, और यहां पर मकरान सेंट्रल रेंज है, तो नीचे के पर्वत कौन है, मकरान। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है किरथर, कई बार पूछा एग्जाम,
किर्थर, किर्थर या किर्थार, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट क्या हो गई रेंजेस। अब यहां ध्यान से देखो, ठीक है, पाकिस्तान, ध्यान से देखो, पाकिस्तान में बहुत सारी नहरें बनाई गई सिंचाई के लिए, इसीलिए पाकिस्तान को दुनिया में नहरों का देश कहते हैं। लिख लो, पाकिस्तान को कंट्री ऑफ कैनाल्स कहते हैं। बहुत सारी दुनिया में जो नहरें हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान है तो अपना बच्चा ही हमारा, उसका इतिहास तो सेम है, 43 के पहले अपना ही था। मुगल काल में, मुगल पीरियड में फिरोज शाह तुगलक ने भारी मात्रा में कैनाल्स बनाया, इरिगेशन में विकास किया, और पाकिस्तान में, चूंकि पाकिस्तान का ज्यादातर एरिया या तो हिली है या तो ड्राई लैंड, थोड़ा सा जो नीचे का एरिया है इंडस का एरिया, उसमें भी सिंचाई करने के लिए बड़े लेवल पर फिरोज तुगलक ने मिडिल एज में बहुत सारी नहरें बनवाई। आगे आके जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ इरिगेशन के लिए बहुत सारी नहरें बनवाई। तो जब आप अंतरिक्ष से कभी देखेंगे पाकिस्तान को, तो वहां नहरों का एक जाल दिखेगा आपको, या आप मैप में भी देखेंगे बहुत सारी नहरें दिखेंगी, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज और है, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज देख लीजिए जो पूछती है, उनका लोकेशन आपको पता ही होना चाहिए। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है पेशावर, पेशावर, पेशावर का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत है, भले आज उतना इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन पेशावर का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है। आपको पता है कुषाण वंश जो भारत में था, उन्होंने अपनी पहली कैपिटल कहां बनाई थी, ज्यादातर जो रणजीत सिंह का अपना एरिया था वो लाहौर पेशावर में क्या था उस समय, सेंट्रलाइज था। इनकी कैपिटल है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के ही पास एक जगह है रावलपिंडी, मिला एक बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है इस्लामाबाद से थोड़ा ऊपर एबटाबाद। मैंने आपको एक मूवी बताई थी जीरो डार्क 30, जो बिन लादेन का ऑपरेशन किया था इन लोगों ने, जीरो डार्क 30। मैंने आपको बताया बैगराम पोर्ट यहां पर है ऊपर, इस जगह पर होगा बैगराम, और बैगराम से आए थे कहां, एबटाबाद। एबटाबाद में माना जाता है बिन लादेन को पाकिस्तान ने छुपाया था पूरी एक व्यवस्था। एबटाबाद इसलिए इंपॉर्टेंट है, एबटाबाद बहुत ही पोर्स एरिया है, वहां पोर्स एरिया है, बहुत ही डेवलप्ड एरिया है, बहुत हाई सोसाइटी वहां रहती है। अब अगर यहां ध्यान से देखें तो आपने बहुत सुना होगा कई बार मंगला डैम, सुना है मंगला डैम, यह है मंगला डैम। मंगला डैम विवाद हमारे बीच चलता रहता है, अब मंगला डैम कई बार चर्चा में रहता है, झेलम नदी पर देखा मंगला डैम मीरपुर के पास है, झेलम नाम का वहां शहर भी है, जहाँ झेलम सिटी लिखा है वहीं पे मंगला डैम है, वहीं उसके ऊपर है साल्ट रेंज, बहुत पूछता है साल्ट रेंज कई बार पूछा है, ठीक है। मंगला डैम जो झेलम सिटी है उसके जस्ट ऊपर है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट शहर है लाहौर, लाहौर मिला सबको, अगर जो बड़े शहर है अगर पूछा जाए उनमें सबसे करीब हमारे कौन है तो वो कौन है, लाहौर, और इस्लामाबाद भी है लेकिन लाहौर बहुत करीब है अमृतसर से, ठीक है। लाहौर माना जाता है जब पार्टीशन हो रहा था तो लाहौर एक हिंदू बाहुल्य सिटी थी, तो वो पाकिस्तान को नहीं दी जा रही थी, लेकिन शायद बाद में ये हुआ कि उनके पास कोई ठीक ठाक सिटी ही नहीं है तो लाहौर दिया, ठीक है। लाहौर के बाद नीचे मैंने आपको बताया एक मुल्तान शहर है, बहुत पूछा जाता है, नीचे एक सिंध प्रोविंस है, सिंध मतलब जहां सिंधी लोग रहते हैं, सिंधी लैंग्वेज का मतलब बोलबाला है, आपने सुना होगा बहुत सारी इनकी लैंग्वेज है पाकिस्तानी होगी, पाकिस्तानी एक अजीब लैंग्वेज बोलते हैं, ना वो ढंग से सिंधी होगी, ना पंजाबी होगी, ना हिंदी होगी, है ना, जैसे बोलते हैं इंडिया, है ना, पाकिस्तानी बोलेंगे इंडिया, या बोलेंगे हर चीज को हिंदी में थोड़ा अपभ्रंशित रूप से बोलते हैं, तो जो इंडिया वाला है टोन वो क्या है, सिंध प्रोविंस में आपको मिलेगा, सिंधी जो लोग हैं अपभ्रंश में बोलते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद अगर देखें किस रीजन में, आप ध्यान से देखिएगा, खूब खूब कैनाल मिलेंगी, देखिए ये कैनाल, यहाँ पे कैनाल है, बहुत सारी कैनाल्स मिलेंगी इस एरिया में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक एक बड़ा पोर्ट, एकमात्र बड़ा पोर्ट शहर है कराची, इसके बगल में मकरान पोस्ट पेक है ग्वादर, ग्वादर चाइना ने डेवलप किया, ग्वादर किसका टर्मिनल है, सीपेक, यदि मिला ग्वादर, ग्वादर जो है हमारा चाबहार है इधर ओमन के कोस्ट पे, और इनका है क्या
ग्वादर, ग्वादर है मकरान कोष्ठ। ठीक, इसके बाद इनकी जो एक यहां कराची इनका क्या है, बंदरगाह है। और कराची के पास ही ध्यान रखिए यहां पर जहां पर इंडस के डेल्टा है, तर क्रीक, रन ऑफ कच्छ में तर क्रीक एक विवादित क्षेत्र, तर क्रीक हो सकता है आपके मैप में बना हो, तर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र, देख लो सर क्रीक चाइना ने डेवलप की, डेवलप कर रहा है उसको, एक का एक पार्ट है ग्वादर में, लीज पे लिया है। देखो ध्यान से, ये है सर क्रीक, ठीक है, सर क्रीक जो गुजरात का अपर पार्ट है, यहां पर इस जगह पर है सर क्रीक। ठीक है, जो रेड लाइन है, ठीक है, वो इंडिया क्लेम करती है, और जो ग्रीन लाइन है कौन क्लेम करता है, पाकिस्तान। ठीक, इंडिया कहती है, एक थालवेट पढ़ा होगा आपने, थालवेट पढ़ा है जब आपने, वो पढ़ा होगा चैनल मॉर्फोलॉजी ज्योग्राफी में, मान लो कि रिवर ऐसे चल रही है, रिवर ऐसे तो चलेगी कि सीधे चलेगी, ऐसे चलेगी, पूछा जाए रिवर का, रिवर का बंटवारा करो, रिवर का या किसी वाटर बॉडी का कैसे बंटवारा करो, तो एक होती है, एक सिस्टम होता है थालवेग। भारत ने कहा हम थालवेग रूल को मानेंगे। थालवेग क्या होता है, मान लो यहां के यहां, यहां और यहां के बीच में मिडिल पॉइंट यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, इधर होगा, इधर होगा, लाइन को मिला दोगे, क्या बोलेंगे इसको, थालवेग। तो इंडिया ने कहा हम थालवेग रूल को मानेंगे, थालवेग कैपिटल के हिसाब से जो इधर का पार्ट होगा वो हमारा होगा, उधर का आपका। ठीक, लेकिन पाकिस्तान आगे इस लाइन को मान रहा है भारत से इधर वाली। सर क्रीक ध्यान रखना, ये बाउंड्री डिस्प्यूट है किसके किसके बीच, पाकिस्तान और इंडिया के बीच। नेक्स्ट लिखो, सितंबर की महत्वपूर्ण योजनाएं, सितंबर की महत्वपूर्ण, ये जितनी किरथार, सुलेमान, मकरान कोस्ट, साल्ट रेंज, ये सब पूछो, और ये सब कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, दोबारा मान लीजिए मिलान करने में दे दिया, ऑर्डर तो ऑर्डर पूछेगा बहुत मुश्किल है, लेकिन मिलाने के लिए पूछ सकता है, ऑर्डर भी पूछ सकता है जब बहुत उसको हार्ड बनाना हो, तो वो हिंदू कुश से लेगा, ऊपर हिंदू कुश है ना, हिंदू कुश या काराकोरम मैंने पढ़ाया है, काराकोरम से लेगा, ऑर्डर बनवा देगा, बना लीजिएगा, कभी मान लीजिए चर्चा में आया तो बनवा देंगे। लिखिए महत्वपूर्ण योजनाएं, देखो पहला, देखो फंगा अभियान, फंगा या फंगा, FUNGA अभियान कैंपेन, इसका है ये, देखो यूएन का, यूएन में मैंने आपको आज पढ़ाया है, यूएन में एक मॉन्ट्रियल में क्या है, यूएन CBD है, उनका सेंटर है यूएन बायोडाइवर्सिटी, नहीं लिखो यूएन, यूएन बायोडाइवर्सिटी ने ये अभियान चलाया है। ठीक, इस अभियान में क्या है, देखो हम लोग जहां भी जाते हैं फ्लोरा फौना पे फोकस करते हैं, करते हैं ना, इन्होंने कहा फ्लोरा फौना पे करो, लेकिन एक और एफ जोड़ो, क्या, फंगा, देख लो इसमें फ्लोरा फौना के साथ फंगा पर भी फोकस करने की बात कही। ठीक है, फंगस की स्टडी क्या कहलाती है, माइको, माइकोलॉजी, देख लो फंगस का अध्ययन माइकोलॉजी में करो। नेक्स्ट लिखो, इंडिया और यूएन ने मिलकर, जब कहीं पे हम जाते हैं ना, कोई मान लीजिए कहीं पे बायोडाइवर्सिटी की बात होती है, तो हम केवल फ्लोरा और फौना पर फोकस करते हैं, दुनिया वाले हम, मतलब दुनिया वाले, यूएन मतलब यूएन की जो ये बायोडाइवर्सिटी की संस्था है, उन्होंने ये कहा आप कहीं पे जाइए तो फ्लोरा फौना के साथ फंगा पर भी कंसंट्रेट करें, क्योंकि वो भी बायोडाइवर्सिटी के एक बहुत बड़े पार्ट हैं। ठीक, आपको पता है फंगस की बहुत बड़ी उपयोगिता है हमारे जीवन, एल्गी और फंगस दोनों, बहुत सारा रोल है इनका, जलेबी खाते हैं हम लोग, ब्रेड खाते हैं हम लोग, खमीर खाते हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं, पेनिसिलिन वगैरह है, या बहुत सारे रोग भी हैं वो फंगस से रिलेटेड हैं, फंगस बहुत इंपॉर्टेंट बायोटा है हमारे जीवन का। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखो, यूएन और भारत ने मिलकर, भारत के लिए यूएन और भारत ने मिलकर, यूएन इन इंडिया ज्वाइंटली मेड व्हाट, यूएन इंडिया कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव शुरू किया है, इसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ, आपने सुना होगा एक अवधारणा नॉर्थ एंड साउथ, सुना है ना, ग्लोबल साउथ, ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ में आएगा साउथ में, मैं जियोपॉलिटिकल नॉर्थ साउथ की बात, तो ग्लोबल साउथ में भारत की स्थिति को मजबूत, इट विल इंक्रीज द स्ट्रॉन्ग पोजिशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल साउथ।
देखो एक आपको मैंने वो इकोनॉमिक कॉरिडोर पढ़ा दिया था ना, इंडिया मिडिल ईस्ट वाला। नेक्स्ट देखो, आयुष्मान भव अभियान, आयुष्मान भव पोर्टल, आयुष्मान भव पोर्टल पूछता है ना कौन लॉन्च किया। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया। ये बस यही ध्यान रखना, यही पूछ सकता है। नेक्स्ट लिखो, स्वच्छता ट्रेन इनिशिएटिव सकता है किसकी है, यही पूछ सकता है, बस शुरू की है स्वच्छता ट्रेन पहल। अहमदाबाद नगर निगम की पहल है, बड़ी महत्वपूर्ण योजना है यूपी की, आपके पेपर में आई थी। लिख लो, नंदिनी कृषक स्टेटमेंट बना के पूछा था, फिर की बनाया था क्वेश्चन। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है, ठीक है। लिख लो, ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने, देखो पीसीएस का फेवरेट है कि कहां से लॉन्च किया। क्या लिखा है? गोरखपुर में लॉन्च किया, ठीक है, और पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 जिलों में लॉन्च हुआ। देख लो, पायलट प्रोजेक्ट की तरह 10 जिलों में लॉन्च हुआ है, पायलट प्रोजेक्ट की तरह 10 जिलों में लॉन्च हुआ है। कौन किया है? योगी आदित्यनाथ ने किया है, भी ध्यान रखना। एक चीज और लिखो, इस योजना को नंद बाबा मिशन के तहत शुरू किया गया है। योजना को नंद बाबा मिशन के तहत शुरू किया गया है। जो गौपालक होंगे उसको 50% सब्सिडी दी जाएगी, जो गौपालक होंगे उनको 50% सब्सिडी दी जाएगी। मैं एक चीज और पूछा था, जो क्वेश्चन में पूछा था कि जो गौपालक होंगे उनको कितना अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस पूछा था, ठीक। गौपालकों को 50% सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट लिखो, ऑबिचुअरीज प्रमुख मरने वाले व्यक्ति, ऑबिचुअरीज देख लेना, एक है या दो है, एक या दो है, और ये पूछा था उसमें पेपर में। ऑबिचुअरीज में लिखो जो लोग मरे हैं महत्वपूर्ण मृत्यु, ठीक है। देखो, जॉन एडवर्ड वॉरनॉक, बहुत बड़ी कंपनी है एडोब, सुना होगा, एडोब के ये सह संस्थापक थे, तब को फाउंडर थे, एडोब के को फाउंडर थे कौन? जॉन एडवर्ड। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्बाब्वे के क्रिकेटर थे हीथ स्ट्रीक, जो बचपन में नाम सुनते थे, डेथ हुई है, हीथ स्ट्रीक। जिम्बाब्वे कैपिटल क्या है? जिम्बाब्वे से क्वेश्चन आया था विक्टोरिया फॉल्स में, जेम्बेजी रिवर पे भी शायद, क्या जॉन एडवर्ड एडोब के यूएस के होंगे, हाँ यूएस के ही। देखो, रमेश कुंतल मेघ ये हिंदी साहित्यकार थे, इनको 2017 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, इंपॉर्टेंट। में इनको क्या दिया गया था? अरुण कुमार सिन्हा एसपीजी के अभी डायरेक्टर थे, इंपॉर्टेंट है, एसपीजी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजी कौन होते हैं? पीजी का फुल फॉर्म, अरे एसपीजी जो मोदी जी के सुरक्षा में लगते हैं, प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी के अरुण कुमार सिन्हा डायरेक्टर की डेथ हुई है, ठीक है। एक और हैं इंडो अमेरिकन मतलब सांख्यिकी के थे, स्टैटिस्टिशियन थे, लिख लो, कलियमपुड़ी राधा कृष्णन राव। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्या पता पूछ ले, क्योंकि इनको बहुत सारे अवार्ड्स इसमें मिले। कलियमपुड़ी राधा कृष्ण राव, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वहां का साइंटिस्ट पदक दिया था, तो वहां पे महत्वपूर्ण रही, ठीक है।